अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये सबक जो है वो दर्जा दो दौरन बे और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए यस्सरनल कुरान के पेज नंबर 19 यानी 19 पर लाइन नंबर जो है 11 और 12 यानी कि 11 और 12 आपके सामने मौजूद हैं। मैं आपको इसे हिज्जे और रवा करके पढ़ाता हूँ, आप अच्छी तरह से इसको पक्का करने की कोशिश करें, पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सीन लाम ज़बर सल, सीन मीम ज़बर सम, शीन मीम ज़बर शम, शीन नून ज़बर शन, शीन हे ज़बर शह, शीन हे ज़बर शाह, शीन बे ज़बर शब, स्वाद बे ज़बर सब, अलिफ बे ज़बर अब, हमज़ा बे ज़बर अब, हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा मीम ज़बर अम, सल सम, शम शन, शह शाह, बड़ी हा निकालने की कोशिश करें, शाह, शब, ये बा हरूफ कलकला है, सब बे हरूफ कलकला, अब अल अल, माशाल्लाह। मखारिज का ख्याल रखें और हरूफ कलकला की अदायगी मैं किस तरीके से करता हूँ उसे भी अपने जहन के अंदर महफूज करने की कोशिश करें। सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपके सामने उर्दू की अव्वल नंबर की किताब पेज नंबर 11 और लाइन नंबर 1 और 2 आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें गुनाह की मश्क कराई जाएगी। गुन्ना से मुराद ये है कि अगर हम गुजराती में समझे तो किसी भी हर्फ के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर अगर मींडू, जिसे हम कहते हैं कि मींडू आ जाए, तो आवाज़ जो है थोड़ी नाक की तरफ जाती है। इसी तरह से ये गुन्ना जो है जिस हर्फ के साथ लग जाता है तो आवाज़ थोड़ी नाक की तरफ, अंदर की तरफ जाती है। उसको कैसे पढ़ेंगे हम यहाँ पर सुनने की कोशिश करें। पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ, देखिए यहाँ माँ मीम अलिफ ज़बर माँ के साथ नून गुन्ना लगा हुआ है, यानी इसको थोड़ी आवाज़ नाक में ले जाएंगे। माँ, हाँ, यहाँ, कहाँ, हूँ, मीम ये ज़बर मैं, नून गुन्ना साकिन, यानी क्या हुआ, मैं, हैं, में, नहीं, किया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप से सुने। माँ, हाँ, यहाँ, कहाँ, हूँ, मैं, हैं, में, नहीं, किया। माशाल्लाह, ये दो लाइन सबक जो है आप अच्छी तरह से पक्की कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे स्क्रीन पर 7 नंबर की हदीस पाक जो शायद हमने पहले पढ़ी है, लेकिन हम इसे फिर से दोहराते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्यारा दर्स है हमारे लिए, इसलिए हमें इसे समझना, सीखना और दूसरों तक पहुँचाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, 7 नंबर के ऊपर हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान सलामत रहे। बेहतरीन मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान सलामत रहे। देखो बच्चों, हम रोज़ाना स्कूल में आते हैं
और स्कूल में हम शरारत करते हैं, स्कूल में आने वाले दूसरे बच्चे जो हैं वो हमारे भाई और बहन हैं, वो मुसलमान है, हम अपने से छोटों को कभी मारते हैं, ज़बान से उन्हें चिढ़ाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सारी बातें जो हैं बुरी हैं, एक दूसरे के नाम बिगाड़ते हैं और चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें बेहतरीन मुसलमान बनना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो हैं कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान को और अपने हाथ को काबू में रखें और अपने मुसलमान भाई को सलामत रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ज़बान और अपने हाथ को सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर सूरह कुरैश मौजूद हैं और इसे मैं आपको मश्क कराता हूं। आप पूरी तवज्जो के साथ इसको मश्क करने की कोशिश करें, पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सईफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله. آپ اس کو دو چار مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پکی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچوں، آج میں आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आज से इंशाल्लाह आपके सबक के अंदर जो हैं मैं सना, तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआ माशूरा और दुआ कुनूत जो हैं उसकी भी मशक डालने वाला हूँ। और इसको मैं थोड़ा वक्त की किल्लत की वजह से जो हैं थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करूँगा उसमें, लेकिन आपके हाथ में तो ये काम है कि आप वीडियो को रिवर्स और फॉरवर्ड करके बार बार अगर देखेंगे और रोज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह से मश्क हो जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका ولا إله غيرك ما شاء الله. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي
وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِأُسْتَاذِي وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اب یہ دعا قنوت ہیں. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق.